मॉर्निंग बच्चों, इससे पहले आपने जाना खेल के प्रकार, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, खेल का महत्व, राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेल और खिलाड़ियों के बारे में। आज हम जानेंगे दिव्यांगों द्वारा खेले जा सकने वाले खेल। तो सबसे पहले जानेंगे कि दिव्यांग कहते किसे हैं। तो दिव्यांग वह व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से असक्षम हो, जो कमजोर हो, तो उन्हीं को हम दिव्यांग कहते हैं। जैसे आप लोग बोल देते हैं कि अरे वो लंगड़ा है, अरे वो बहरा है, वो अंधा है, तो हम उनको विकलांग या पाहिज न कहकर दिव्यांग कहते हैं। यह एक सम्मानपूर्वक शब्द है। तो दिव्यांग द्वारा भी खेल खेले जाते हैं। दिव्यांग द्वारा जो खेल हैं, जैसे व्हील चेयर पर बास्केटबॉल, नृत्य, भारोत्तोलन, तैराकी, गोला फेंक, जैवलिन थ्रो, मोटर रेसलिंग, ऊंची कूद, इसके अलावा भी और बहुत सारे खेल हैं जो दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं। तो पैरालंपिक खेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग खिलाड़ी खेल खेलते हैं। तो भारत के भी दो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक खेल में भाग लिए हैं। हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी, लेकिन हम सिर्फ दो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे दीपा मलिक और दूसरा बात करेंगे हम लोग मरियप्पन थंगावेलु। दीपा मलिक भारत की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें पैरालंपिक खेल में रजत पदक प्राप्त हुआ था। तो दीपा मलिक जो हैं 2016 में पैरालंपिक में भाग ली थी और इनके खेल का नाम था गोला फेंक, और इसी में इन्हें रजत पदक की प्राप्ति हुई। इनका जो शरीर का निचला हिस्सा था वो सुन्न हो गया था। इसके अलावा इन्होंने तैराकी, गोला फेंक, जैवलिन थ्रो, मोटर रेसलिंग सब में भाग लिया। इनके लिए इनकी शारीरिक कमजोरी कोई मैटर नहीं करता था। ये उसी साहस से आगे बढ़ती गई। भारत में उन्होंने 33 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक जीता, और इन्होंने भारत में खेल के क्षेत्र में अपना एक विशेष योगदान दिया, जिसके कारण इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। इसी तरह से दूसरे जो खिलाड़ी हैं मरियप्पन थंगावेलु, ये तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। ये जब 5 साल के थे, इनके पैर का एक पैर जो था वो किसी दुर्घटना में घायल हो गया। ये बहुत गरीब थे तो अपने पैर का इलाज बहुत अच्छे से नहीं करवा पाए, तो इनका पैर ठीक नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने ऊंची कूद में भाग लिया और स्वर्ण पदक की प्राप्ति किए। इस तरह से बच्चों आपने जाना कि दिव्यांग व्यक्ति भी खेलों में भाग ले सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से ये दिव्यांगों द्वारा खेले जा सकने वाले खेल हैं, और दीपा मलिक और मरियप्पन थंगावेलु के अलावा और भी बहुत से भारत के खिलाड़ी हैं जो पैरालंपिक खेल में खेलते हैं। बच्चों अब दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।